हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को देख के बनाए गए हैं। बेसिकली ये आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लाइक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है, रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। और इस साल की जो थीम थी इस इंडेक्स की वो थी डूइंग बिजनेस 2018 रिफॉर्मिंग टू क्रिएट जॉब्स। ये थीम्स थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट ईयर आई थिंक या लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिकली थीम्स ही पूछी गई थी, तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली इन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनमें इस इंडेक्स में, तो इसमें 10 इंडिकेटर्स को रखा गया है और सारे ही इंडिकेटर्स की जो वैल्यू है, जो वेटेज दिया गया है, वो सारे ही इंडिकेटर्स को इक्वली दिया गया है। सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो है ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में कितनी आसानी है किसी भी कंपनी को, ठीक है, कि लाइक जो उनके पेपर वर्क्स होते हैं या जो लैंड एक्विजिशन का काम होता है वो कितना ईजिली कोई कंपनी कर पा रही है। उसके बाद जो सेकंड है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है सेकंड इंडिकेटर। थर्ड है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स होते हैं लैंड्स के रिलेटेड वो है। फोर्थ है रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो जो लैंड एक्विजिशन है वो है। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उनको कितना प्रोटेक्शन दिया जाता है उस कंट्री में, ठीक है। फिर सिक्स है एक्सेस टू क्रेडिट, जो मनी से रिलेटेड है ये। एंड सेवन्थ है एम्प्लॉइंग वर्कर्स, जो वर्कर हैं उनके रिलेटेड क्या नॉर्म्स हैं, कितने रिलीफ दी जाते हैं, कितने क्या उनको इंसेंटिव मिलते हैं, कितने गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, ठीक है, लेबर लॉज क्या हैं। और इसके बाद एट्थ है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है, जो भी उस कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे उनको दूसरे कंट्रीज़ में किस तरीके से उसका ट्रेड होता है, ठीक है। नाइन्थ है पेइंग टैक्सेस, जो भी टैक्स जो कंपनी जो देती है गवर्नमेंट को मंथली या ईयरली, जो जीएसटी जो भी सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो टैक्सेस, ठीक है, कितने हैं। और इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, किस तरीके से कोई भी अगर कंपनी के ऊपर कुछ भी लाइक बर्डन आता है या कोई केस आता है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई अलग से बॉडी है, या लाइक जैसे इंडिया में CII है उस तरीके से। ये है 10th इंडिकेटर। तो सारे ही इंडिकेटर्स को इक्वली वेटेज दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ए हायर रैंकिंग ऑफ कंट्री इन दिस लिस्ट मीन्स दैट इट्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इज़ मोर कंड्यूसिव एंड फेवरेबल फॉर द स्टार्टिंग एंड ऑपरेशन ऑफ फर्म्स। अगर मैं बात करूँ कि जितनी ज़्यादा जितनी बेटर किसी भी कंट्री की इस इंडेक्स में रैंकिंग होगी, ठीक है, उस कंट्री में आपको जो रेगुलेशंस होंगे बिजनेस से रिलेटेड, जो भी इन्वायरमेंट रेगुलेशंस होंगे या जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उतनी बेटर होंगी। मतलब जितनी कंपनी टॉप करेगी इंडेक्स में, इस इंडेक्स में उतनी बेटर होंगे उस कंट्री में कंपनी को, नई कंपनी को बेसिकली इस्टेब्लिश करना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट न्यूजीलैंड जो है वो टॉप की है, फर्स्ट पोजिशन पर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है सिंगापुर, देन है हांगकांग एंड देन है डेनमार्क। तो बेसिकली न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। और जो सबसे वर्स्ट कंट्री है वो है सोमालिया। सोमालिया की सबसे लास्ट पोजीशन है 190th 190। तो टोटल जो कंट्री है वो है 190 इस इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग है 63rd, काफ़ी बेटर। लाइक लास्ट ईयर 2018 में ये 77 थी और इस साल 14th प्लेस इंडिया ने जंप किया है और 63rd रैंक आई है इंडिया की, तो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स।
The report access improvement in ease of doing business environment in Delhi and Mumbai. ये important है आपके लिए कि दिल्ली और जो मुंबई है वहाँ की जो locality है वहाँ के जो like business को establish करना या business को setup करने के लिए वहाँ पे काफ़ी relief है, काफ़ी अच्छे rules and regulations है, काफ़ी जो paper works होंगे वो काफ़ी easily हो जाते हैं. जो अगर मैं last 5 years की बात करूँ तो इंडिया की रैंकिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है. 2014 में इंडिया की रैंकिंग लास्ट लाइक 142nd थी, ठीक है, 142 रैंकिंग थी इंडिया की 2014 में. और ग्रेजुअली ये इंडिया की जो रैंकिंग है वो बेहतर होती गई है. नाउ वी आर ऑन 63rd पोजीशन, तो 79 प्लेस का इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 5 ईयर में. इसके बाद अगर जो स्टेटस देखें अगर इंडिविजुअल पैरामीटर्स में तो किस किस इंडिकेटर्स में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी बेटर हुई है वो देखते हैं. बिगेस्ट जंप आया है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ठीक है, जो भी कंपनी से रिलेटेड जो लाइक केसेस होते हैं या कोई कंपनी एनपीए हो जाती है उनको उनसे रिलेटेड जो कंपनी होती हैं उनसे जो रिलेटेड केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में कितना ईजनेस आता है कंपनी को, ठीक है, कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा लाइक जंप किया है. 52nd रैंक थी इस साल जो कि पहले 108 थी. इम्प्रूव्ड सस्टेंशियली इन डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट. कंस्ट्रक्शन परमिट ये इंडिया के लिए किसी भी कंपनी के लिए ये भी एक मेजर फैक्टर होता है कि कंपनी सेटअप करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं, तो उसमें भी इंडिया की रैंकिंग काफ़ी बेटर हुई है. लास्ट ईयर ये 52nd थी, इस बार 27 आई है, ठीक है. और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में 68 है जो कि लास्ट ईयर 80 थी. इम्प्रूव्ड इन रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, जो रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी है उसमें भी इंडिया की रैंक बेटर हुई है, 154 हुई है, इससे पहले 166 थी, ठीक है. डिटेरिएटेड इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स फ्रॉम 7th to 13th, ठीक है, टू 13 पोजिशन, इसमें इंडिया की रैंकिंग खराब हुई है. प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स एंड गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 22nd to 25th, इसमें भी इंडिया की रैंकिंग थोड़ी वीक हुई है. फिर है रैंकिंग रिमेंड अनचेंज्ड इन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एट 163rd जो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है इसमें रैंकिंग में कोई चेंज नहीं आया. 163 पहले भी थी, अभी भी है. तो ये था आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. इसके बाद उस रैंकिंग में आपको मेन इम्पॉर्टेंट है जो इसकी थीम है और इंडिया की रैंकिंग क्या है और ये जो इंडिकेटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. इस इंडेक्स को जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है. इसमें इट मेजर द फैक्टर एंड पॉलिसीज दैट मेक ए कंट्री ए वायबल प्लेस टू इन्वेस्ट विद इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, ठीक है. इसमें जो टूरिज़्म और ट्रैवल जो सेक्टर है बेसिकली जो कंट्री होती हैं उनको टूरिज़्म सेक्टर में कितना इम्प्रूव है, कितना बेटर परफॉर्म कर रही हैं या कितना बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, उनसे रिलेटेड ये इंडेक्स होता है, ठीक है, कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म आ रहा है, कौन सा कंट्री ज़्यादा कैप्चर कर पा रही है टूरिज़्म. लाइक जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ है लाइक इटली, रोम, ये सब काफ़ी टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं. इंडिया की जो रैंक है वो भी बेटर हुई है, 34th प्लेस है इंडिया ने सिक्योर किया है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू प्रमोट टूरिज़्म सच एज लाइक जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जो टूरिज़्म है उसको अट्रैक्ट करने के लिए. लाइक काफ़ी आपने सुना भी होगा कई जो ट्रेन्स हैं उनको चलाया गया है पार्टिकुलर टूरिज़्म के लिए और कुछ सर्किट्स बनाए गए हैं, ठीक है. इनमें से एक है स्वदेश दर्शन, ये है, ये जो सर्किट है ये इसको बेसिकली बेस्ड किया गया है, बेस्ड टूरिज़्म सर्किट है ये, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिज़्म सर्किट है स्वदेश दर्शन. इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं इंडिया में, ठीक है, उनको कनेक्ट किया गया है बेसिकली रेलवे से. इसके बाद नेक्स्ट है प्रसाद, इसमें पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव. इसमें जो आपके स्पिरिचुअल्स और लाइक जो आपके
गॉड्स होते हैं, जो भगवान हैं, उनके उनको कनेक्ट, उनके जो लैंड प्लेस हैं उनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, स्पिरिचुअल्स को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर पाएँ, लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सबको कनेक्ट किया गया है, और आपके बोधगया हो गया या लुम्बिनी, ये सब मतलब लाइक जो स्पिरिचुअल्स प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट किया गया है, ये प्रसाद सर्किट है, ठीक है। इसके बाद है जो दी एडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इट इज़ ए कोलेबरेटिव एफर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एग्रीकल्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा, दोनों ने मिलके इसे साथ में इस प्रोजेक्ट पे को इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंडिया के इम्पोर्टेंट एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं, जो इंडिया का लाइक कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो धरोहरें हैं, लाइक जैसे जो सिविलाइजेशन जैसे हरप्पा या लाइक लोथल, ये सब जहाँ जहाँ है, धोलावीरा हो गया, इन सबको, और जो जैसे ताजमहल हो गया आपका, ठीक है, जितने रेड फोर्ट हो गए, इन सबको के लिए एक सर्किट बनाई गई है। उनसे आपको टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, लाइक रोड कनेक्टिविटी बेटर होंगी या ट्रेन की फैसिलिटी होगी, एयरपोर्ट होंगे उनके पास, तो काफ़ी बेटर होगा कि टूरिज्म सेक्टर को फ्लरिश करने में। तो ये है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग को आपको ध्यान देना है, और कौन सी बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है, और इसके साथ ही साथ इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये जो स्वदेश दर्शन और प्रसाद और अपनी धरोहर अपनी पहचान, इनको आप याद रखिएगा। बस इतना ही था ये दोनों इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं दो और इंडेक्स की बात करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।